बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र के जो संताल परगना के जिले हैं और उन जिलों के उपायुक्तों को एक निर्देश जारी करने को कहा है और ये कहा है कि उन उपायुक्तों को ये निर्देश जारी करें कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करें और चिन्हित करते हुए उनको कैसे वापस भेजना है इसको लेकर एक कार्य योजना तैयार करें। साथ ही दो सप्ताह में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। बता दूं कि दानियल दानिश ने मामले में एक जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की थी और झारखंड हाई कोर्ट को अपनी याचिका के माध्यम से बताया था कि झारखंड के जो संताल परगना के जो क्षेत्र हैं यानी कि जो जिले हैं जिसमें दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर ये जो जिले हैं उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच रहे हैं और वहां के जो लड़कियां हैं उनसे शादी कर रहे हैं, उनके संपत्ति को हथिया रहे हैं और पूरे डेमोग्राफी को जो है चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे नए नए मदरसे स्थापित किए गए हैं और बहुत तरीके जो कि जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं राज्य को और देश को खतरा हो सकता है। इसी को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी और इस याचिका पर बहुत बार सुनवाई हो चुकी है और आज भी मामले की सुनवाई हुई है और बड़ा निर्देश जो है झारखंड हाई कोर्ट ने आज जारी किया है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करें और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें जिससे कि घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सके। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।